महामारी के कारण देश भर के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच जो एक नई खबर सामने आई है वो आपका दिल दहला देगी। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक ट्रेन हादसे में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये लोग प्रवासी मजदूर थे जो कि अपने घरों के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा और उनकी अपने परिवार से दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आ रही है कि एक मालगाड़ी पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर से होकर गुजरी। खबरों में सामने आया है कि जहां 16 मजदूरों की मौके पर जान चली गई, तो वहीं 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो कि घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जानकारी भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। दरअसल ये लोग पैदल चलकर सफर तय कर रहे थे और रास्ते में थकावट होने के चलते सो गए। लंबा सफर तय करने के चलते ये इस कदर थक चुके थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इनकी आंखें कब बंद हो गई। जिस वक्त ट्रेन इनके ऊपर से होकर गुजरी उस वक्त ये गहरी नींद में सो रहे थे। इन्हें ये मौका भी नहीं मिल पाया कि ये संभल पाते। अपने घर पहुंचने से पहले ही ये मौत की गोद में सो गए। बताते चलें कि सरकार ने 23 मार्च को लॉकडाउन का फैसला किया था। इसके बाद मजदूर सड़कों पर उतर आए थे जो अपने घरों को जाना चाहते थे, लेकिन साधन ना होने के चलते वो वहीं पर फंसे रह गए। तो वहीं कुछ मजदूरों ने ये फैसला लिया कि वो पैदल ही अपने घर तक का सफर तय करेंगे। बहरहाल अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द देश को इस महामारी से निजात मिले और व्यवस्था फिर से सामान्य हो। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।